पहले से दर्द कम है कुछ, आप काफी बेहतर हैं। हाँ बेहतर। बताओ क्या दिक्कत लेकर आए थे आप? डिस्क की दिक्कत लेकर आए थे। क्या दिक्कत हो रही थी आप? पैर में चलने में दिक्कत आ रही थी पूरे ऊपर से नीचे तक, तभी डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। फिर यहाँ का पता मिला आपका फिलिया स्पाइन केयर का, हम यहाँ आए, आपने कहा कर देंगे ठीक 1 से 1.5 महीने में, तो आज लगभग 40 दिन हो गए, आराम लगभग 80-85% हो चुका है। ये दिक्कत कितने टाइम से थी आपको? लगभग 7-8 महीने से। 7-8 महीने से दिक्कत थी। और दवाइयाँ वगैरह तो खा रहे हो? दवाइयाँ बहुत खाई। क्या बता रहे लोग आपसे? क्या डिस्क की दिक्कत है, लगभग डिस्क 80% बाहर आ गई है। हाँ। ऑपरेशन ही लास्ट इलाज है। ठीक है, आपको सबने ऑपरेशन के लिए बोला? ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। उसके बाद आप मतलब आपकी जानकारी मिली है? हाँ। तो यहाँ आपके पास आए तो आप बोले ठीक हो जाएंगे, तो फिर आपका इलाज करा, लगभग 40 दिन हो चुके हैं। हाँ। अब परसेंटेज में कितना ठीक लग रहा है? 80% मान के चलो। 80% ठीक है। दिक्कत क्या क्या होती थी आपको जब हमारे पास आए? उससे पहले चलने में दिक्कत, मतलब मुश्किल था, 5 मिनट खड़ा नहीं रह पाता था, और लेटने में भी जैसा कभी कभी रात को इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, पेन किलर, नींद नहीं आती थी, और चला तो बिल्कुल जाता ही नहीं, तो थोड़ा बहुत ही लगा 10-5 मिनट। ठीक है, मतलब जो भी इंजेक्शन आप लगवाते थे आराम मिलता नहीं था दर्द में? मतलब थोड़ा बहुत मिल जाता था 1-2 घंटा पेन किलर, 2 घंटे के लिए। हाँ। इससे ज़्यादा नहीं? इससे ज़्यादा। पेशेंट को L4-5 और L5 बेसमेंट डिस्लिप थी, जब ये हमारे पास आए थे तो सीवियर पेन में थे। जैसे कि इन्होंने भी बताया कि पेन किलर इंजेक्शन लगवाने से भी सिर्फ 1 या 2 घंटे इनको आराम रहता था, उसके बाद इनको कंटिन्यू पेन भी था, और सभी डॉक्टर ने इनको सर्जरी के लिए बोला। हमारे पास समथिंग 40 डेज इनको हो गए हैं, और 40 डेज में लगभग 8 से 10 बार हमने बुलाया आपको, 10 से 12 बार सेटिंग इन्होंने ली है हमारे पास। 80% प्लस ये ठीक है, सो और बाकी हम इनका आगे ट्रीटमेंट करेंगे, मिनिमम टाइम में रिकवर हो जाएंगे विदाउट सर्जरी। अगर आपको भी इस तरह की कोई दिक्कत है और आपको भी सर्जरी के लिए बोला है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेटिए आप। सीधे हो जाइए, अपना पैर उठा के देखो। दोनों? एक। दर्द किस में होता था? इस वाले में। दूसरे? ठीक है, इसे उठाओ। दिक्कत? दर्द होता है जोर, अब थोड़ा बहुत दर्द। हाँ। और पहले कितना होता था? पहले तो मतलब इतने के अलावा उठता ही नहीं था। पहले इससे ज़्यादा? इससे ज़्यादा नहीं उठता था। है ना? ठीक। दर्द ये जाता था यहाँ से और ये, है ना? सांस लो, छोड़ो, सीधे मेरी तरफ, सांस लो, छोड़ो। ढीला ढीला
ठीक है, थोड़ा चल के देखिए। इधर ही चलो, थोड़ा चलो, दो चार घूम। बताओ कैसा लग रहा है? पहले से दर्द कम है कुछ। आप काफी बेहतर हैं। हाँ, बेहतर। अब आपको तो नहीं लग रहा किसी सर्जरी की कोई जरूरत है? नहीं, अब तो नहीं लग रहा। नहीं, अब तो नहीं लग रहा। अच्छा, ऐसे लोग हैं जैसे आप 8 महीने बाद हमारे पास आए, ये आपको डॉक्टर ने बोला भी होगा और बाकी लोगों के बिना सर्जरी के नहीं होगा। हाँ, बिना सर्जरी के मना करके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? बोले वो एक बेकार, आज लोग बागों को बहका रहे हैं, मतलब सर्जरी एक लास्ट इलाज है इसका। बोले डिस्क का इतना टुकड़ा कट के निकल जाएगा, उसकी कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। बाद में भी आने वाले टाइम में कोई दिक्कत हो जाती है, कोई भी दिक्कत इस तरह की होती है या ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। मतलब डॉक्टर ने आपसे ये कहा कि सर्जरी तो हम करेंगे, उसकी कोई ठीक होने की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पैसे और टाइम पूरा जाएगा। क्या दोबारा, चाहे 2 महीने बाद 4 महीने बाद दोबारा दिक्कत भी आ सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। उसके हिसाब से आप बिना सर्जरी वाला ये बेहतर है या वो बेहतर है? ये बेहतर है, फिजियोथेरेपी वाला बेहतर है, ये काफ़ी बेहतर है सर्जरी के मुकाबले। और कोई बात जो अपने ऐसे लोगों से कहना चाहते हो? यही कहना चाहूँगा मैं तो, पहले अपनी पूरी कोशिश कर लें, उसके बाद ही सर्जरी करवाएं, लास्ट इलाज है देखो सर्जरी, तो बाकी यहाँ बिना सर्जरी के ठीक हो जाएंगे।